हम लोग भी जाएंगे फ्रेंड्स, तू चलेगा ना? दोस्तों ये बोबो वाला कलर है, पर चलो तो कर लो इनसे बात, और ऐसा नहीं है ये। तू अपने बच्चे पैदा कर, हम तेरे पास। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और सुबह सुबह की बहुत अच्छा ली, गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरज महाराज निकल चुके हैं, जो कि बहुत ही स्लोली स्लोली निकल रहे हैं। आज मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग चालू कर दिया, और मैं अब डेली सुबह से ही कर दिया करूँगा, क्योंकि अब मुझे लगन से काम करना है अपने चैनल पर। बहुत ही कम काम हो रहा है दोस्तों, इस वजह से व्यूज़ वगैरह जो भी है सब डाउन हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। रोज़ ब्लॉग नहीं डाला मैंने। और इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखा जा रहा है ब्लॉग, ये दोस्तों देखो मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है यहाँ पे। अम्मा और दीपक बैठ के ब्लॉग देख रहा है। लाइक वाइक कर दिया कि नहीं? तो ये दोस्तों बैठी हुई है, उधर अम्मा बैठी हुई है। राम राम फ्रेंड्स, प्यार भरा आज का तेरा राम राम का बहुत रिस्पॉन्स किया है, तो ऐसे गुस्सा मत होया करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इधर हमारे भाई साहब हो गए रेडी, ये आम देख। सुबह 4 बजे उठ कर रहा है, इन्हें उठाती, उठो उठो, ये नहीं उठते बिल्कुल भी। तुम्हारा हमेशा जैसे ही कैमरा शुरू होगा तुम्हारा रोना शुरू हो जाता है। वो तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि हाँ चंचल दीदी बहुत सारा काम करती है दोस्तों। अभी हमारा देख सकते हो यहाँ पे, अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं, और देखो रोटियाँ वोटियाँ सब सिक्के रेडी हैं, सब्जी इधर रोटियाँ हैं, और इधर देखो चाय है, और इधर इसके अंदर सब्जी है। नाश्ते का दलिया भी बना दिया है, देखो देखो अक्षर नहीं का नाश्ते का दलिया। दोस्तों इतनी देर में तो मैं सो के उठता हूँ खाली, और ये देखो आलू की रस्से वाली सब्जी। इतनी देर में हम सो के उठते हैं, इतनी देर में चंचल दीदी का सारा काम हो जाता है। तो आप सोच सकते हो ये कितनी जल्दी उठती होंगी, वो भी इतनी ठंड में। वाकई मतलब मेहनत का काम करती है जिंदगी। सोच सकते हो ये रोटी हाथ में उन्होंने ले चुकी है। पता है सारे से मना कर रही है, ऐसे मत दिखा, रोटी खा रही हूँ ना चाय से। तो क्या तुम्हें VIP नाश्ता चाहिए फिर? हमें यही मिल जाए होता। हाँ ये बात तो ठीक है। उधर अम्मा का ढोबरा भर चुका है दोस्तों चाय से, ये देखो। आज अम्मा का राज खोल कर रहूँगा मैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा टिफिन भर लिया है चाय से। भैया मैं बहुत चाय पी हूँ। हैं? बहुत चाय पी थी। आज मेरा हाथ हिल रहा है अम्मा, बिना मतलब मैं से ना ब्रो। हाँ, लाइक आंगन कुछ पे। और मेरे ये वाला बुगुन बेलिया जो है ना सूख गया है, पता नहीं से क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। इसमें शायद ठंडा पानी डल गया सुबह सुबह ना। कल क्या किया था मैंने, परसों मैंने उठ के ऐसे ठंडा पानी डाल दिया था, तो उस वजह से मुझे लग रहा है इसे ठंड लग गई है। अब इसे थोड़ी धूप की जरूरत है, तो इसे धूप में रख रख कर ठीक करना पड़ेगा। देख सकते हैं अक्षय का नाश्ता शुरू हो गया है, दलिया खा रहा है। कैसा लग रहा है अक्षय दलिया? टेस्टी है, यम्मी है। क्या है क्यों, मम्मी से निकलवाओ। इन्हें देर हो रही है, और इन्हें देखो इन्हें इजीली पता है ना कि मतलब हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो आज टाइम शॉर्ट गया, तो इन्हें मतलब ये सब जाना शुरू करवाना है। आओ इधर, इतना तो करना पड़ेगा तुम्हारा, इतना क्या इतना कुछ कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हंस के दिखा दिया बस। एहसान कर दिया है, और क्या एहसान नहीं है, काहे का एहसान कर दिया। तू अपने बच्चे पैदा कर, हम तेरे पाल देंगे। लो कर लो इनसे बात, कौन करेगा। अब हंस के दिखा दिया बस, अब नहीं खाले बेटे खाते, अब बाद में खाना, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर दोस्तों एक चीज़ हो रही है, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत क्यूट सी छोटी सी है, और उनके लिए बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। उनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भैया मतलब वो मेरी मम्मी को नानी बोलती हैं, कि नानी से आशीर्वाद दिलवा देना। अम्मा का आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ है, और स्पेशली मैं अम्मा से बोल देता हूँ, अम्मा को भी खुशी होती है उनका कमेंट पढ़कर। अम्मा हाँ, वो एक रिचुअल है ना जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो वो मतलब उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो कह रही थी कि नानी जी से आशीर्वाद दिलवा देना खूब ढेर सारा। अच्छा, तो अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो, वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। अच्छा, वो बिटिया हाँ, वो बहुत अच्छे उससे पास होगी, बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ मैं।
मन से, और सभी बच्ची बच्चों बढ़िया रहो, खुश रहो, तरक्की पाओ, खूब तरक्की करो, और उस बिटिया को भी बेचारी अच्छे नंबरों से पास आएगी। हाँ, और तुम्हें पार्टी भी देंगे जब पास है। फिर पार्टी देंगे। दोस्तों अभी अक्षय अपने को चलते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, इतने भारी भारी बैग उठाने पड़ते हैं तब जाके आ रहे हो। वो नीचे चले गए बच्चे काली पहले, और मैं चल सब नहीं होगा लेट। कितने बजे? 8:30 पे है ना? हाँ तो 8:30 हो गए, अब तुम लेट हो गए, बाहर खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। हाँ और क्या ना, तो चलो जल्दी 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 चलो। बाय अपनी, अब घर जाके नाश्ता वास्ता करना पड़ेगा। इधर भूमि स्कूल जा रही है। नमस्ते नमस्ते, कुछ नहीं ये सिखाया जाता है तुम्हारे स्कूल में? बच्चों ने नमस्ते नहीं किया। दोस्तों जब के थोड़ा बहुत काम आता है तो पड़ोसियों के भी मैं काम आ जाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे चाचा की लड़की है पड़ोस में हमारे, और ये मेरे से हेयर कटिंग कराना है अपनी। पैसे कितने लेके आई हो मैम? तो दोस्तों अभी मैं इसकी कटिंग करूंगा, आप देखना कैसी कटिंग करता है। लो कर लो बात, ये तो नहीं जाने का हमारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भर कर जाएंगे भात में। भात का वीडियो भी दिखाएंगे फ्रेंड्स तुम्हें, जब भात में जाएंगे ना लोग सज धज के बढ़िया बढ़िया। इसके मुंह पर तो चार चांद लगन लगे, ठीक है। अब ये यहाँ से भी उठाएगी, यहाँ से पीछे डालेगी तो पीछे जा सकते हैं। हाँ ये वाला सही लग रहा है। इसकी कटिंग मैंने कर दी जैसी मेरे से हुई। अभी जो यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक शादी है तो वो भात वात जाता है ना जो, तो अम्मा उस वाले उसमें जाएगी फंक्शन में, तो अम्मा के लिए मैंने एक साड़ी मंगाई है। और बीएड का रिजल्ट आया था तो अम्मा ने कहा कि कुछ दिलवा दे, अब अम्मा के पास दो साड़ी न्यू हो गई हैं। तो अम्मा दिखाने रहा, अम्मा को बहुत ज़्यादा खुश है, पर अम्मा को कलर पसंद नहीं आ रहा यार, कह रही है कि बउआ वाला कलर है ये। आप कलर देखना दोस्तों मतलब कैसा है आप बताना, लेके आओ। ये देखो दोस्तों अम्मा हमारे खुशी के समान ही रहेंगे। ये देखो दोस्तों अम्मा की न्यू साड़ी। हाँ तुम्हें ये कलर कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है बबू वाला। दोस्तों ये बबू वाला कलर है, पर चलो मुझे पसंद है। गाइस बताएंगे कि अम्मा की साड़ी कैसी लगी। और दूसरी फिर अम्मा को ब्लाउज ही मेरे हाथ का चाहिए। अम्मा कहते हैं दूसरे का सिलावा मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि अम्मा को पता है मैं एकदम बढ़िया तरीके से सिलता हूँ, तो इसलिए अम्मा ब्लाउज में ऐसे सिलवाने कह रही हैं। तो दोस्तों अभी जिस दिन अम्मा जाएंगी पूरा तैयार होके, अम्मा को पूरा मम्मी बना देंगे, टिकटॉक वाली मम्मी। भात में जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वाले ब्लॉग यहीं लास्ट करते हैं और मिलते फिर नए ब्लॉग में। ये वाली वीडियो दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते फिर नए ब्लॉग में।